यो व्हाट्स अप गाइस। तो कैसे आप लोग आ चुके हैं न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। और मैं आज मैं बता रहा हूँ रोपीरो वर्सेस इविल रोपीरो की कहानी। तो एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा होता है कि रोपीरो भाई जाता है अपनी आंटी के साथ डेट पे, यानी कि पिक्चर देखने जाता है, क्योंकि रोपीरो वेस्टर्न में लगी थी एक जबरदस्त नई वाली पिक्चर जो आर्टिका को भी देखनी थी। तो दोनों जाते थिएटर की तरफ और मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे थे अपनी राइड को, बस फुल फीलिंग में जा रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। चेचे पीछे जब पहुंच जाते थिएटर पे, तो भाई थिएटर के अंदर जाते ही उस इविल रोपीरो को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे रोपीरो पिक्चर देखने आया हुआ है। तो भाई वो पिक्चर देखने के बहाने वो सोचता है रोपीरो पिक्चर देखने वे बिजी हो जाएगा और आर्टिका के साथ बिजी रहेगा। तो इस टाइम पे वो अरीना से बाहर निकल के रोपीरो वेस्टर्न पूरे में तवाई मचाएगा। और क्योंकि भाई इविल रोपीरो और रोपीरो सेम दिखते थे, तो भाई वो अंदर सोचा कि रोपीरो फंस जाएगा और वो भाई उसका नाम फंसा के बच जाएगा। तो भाई वो निकलता है अरीना के बाहर और भाई थिएटर के बाहर निकलता है। उसी थिएटर में रोपीरो पिक्चर देख रहा था, उसको कुछ पता नहीं चलता है। और बाहर निकलते भाई अपनी गन से भाई सबसे पहले वो टिप्सन को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, पर टिप्सन बहुत होशियार होता है और वहां से भाग जाता है। तो भाई वो कुछ नहीं कर पाता टिप्सन का, फिर वो गाड़ियां ब्लास्ट करने लगता है। और जहां पर भी उसको गाड़ी और लोग दिखते हैं वहां पर उनको वो मारने लगता है और गाड़ी ब्लास्ट करने लगता है और कुछ ऐसी आवाजें निकाला था, आप सुन सकते हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और रोपीरो को फंसा दूंगा यहाँ पे। इसकी ऐसी की तैसी, ऊपर हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर में बैठ के सब पुलिस वालों को मार दूंगा और फिर रोपीरो जेल में चला जाएगा। सर आपने सुनी लिया होगा ये क्या बोल रहा था। ये बोल रहा था कि रोपीरो को फंसाएगा, वो भी पुलिस से जो जेल में डलवाएगा। इसका ये प्लान था कि भाई ये सब पुलिस वालों को भाई मार देगा और जो भी पुलिस वाले थोड़े बहुत बचेंगे और रोपीरो जब पिक्चर देख के बाहर निकलेगा थिएटर के, तो भाई वो फंस जाएगा और ये यहाँ से भाग जाएगा उसको फंसा कर। तो आप देखो भाई इसने कितनी तबाही मचाई थी, ये पुलिस वालों को बम से मार रहा था और भाई इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इविल रोपीरो भाई रोपीरो से बहुत ज्यादा ताकतवर था, फिर भी रोपीरो से थोड़ा डरता था। और इनने पुलिस की गाड़ियों पे इतने बम फोड़े भाई, इतने बम फोड़े पुलिस की गाड़ियां कम पड़ गई, इसके बम नहीं खत्म हुए यार। इसने इतने सारे बम फोड़े पुलिस की गाड़ियां ब्लास्ट कर करके थका नहीं, उसके बाद भी इविल वाली हंसी में हंस रहा था और गाड़ी ब्लास्ट करता जा रहा था। और फाइनली अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, उसके बाद ये सोचता है कि अब ये क्या करे भाई, इसने इतनी सारी गाड़ी ब्लास्ट कर दी। अभी इसके दिमाग में आता है प्लेन के भाई उड़ के भाई जितने भी रोबोट है भाई पुलिस वाले जो इसके भाई मार रहे हैं उनको मार देता है। और भाई देखो भाई इसने इतने सारे रोबोट मारो भाई, जो पुलिस में हेलीकॉप्टर वाली पुलिस आती है उनको भी ये ब्लास्ट कर देता है। और भाई इसने बहुत ही ज्यादा लोगों को मार दिया था भाई, पुलिस भाई परेशान हो गई थी रोपीरो ऐसा क्यों कर रहा है भाई, पुलिस को लगता है क्योंकि ये रोपीरो है। और भाई ये पुलिस जब माइक में बोल भी रही थी भाई रोपीरो ऐसा मत करो, ऐसा मत करोगा भाई रोपीरो, भाई ये समझ रही थी कि रोपीरो है। तो भाई उनको ये पता नहीं था कि इविल रोपीरो है और भाई ये उनकी बात नहीं सुन रहा था और ये कह रहा था कि हाँ मैं रोपीरो हूँ और भाई मैं ऐसा ही करूंगा। और भाई ये ऐसे ऐसे भाई कहाँ कहाँ से निकल रहा था पुल के नीचे से और भाई पुलिस को दौड़ा रहा था अपने पीछे और भाई यूं चिल रहा था कि मैं रोपीरो हूँ और मैं सबको मार डालूंगा। मैं रोपीरो हूँ, मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा पुलिस वालों। और गाइस फाइनली वो अपना मकसद पूरा करके भागने लगता है और भाई रोपीरो को भाई सब समझते हैं ये रोपीरो है और भाई ये पुलिस वालों को मारता है भाई बम से। और उसके बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये रोपीरो ही है और भाई वो इसके पीछे लगे रहते हैं और ये भागने लगता है और भाई ये गायब हो जाता है एकदम से, पता नहीं कहाँ पर चला जाता है। और ये सब भाई उसको पता चल गया होता है सुपर हीरो को, तो वो जाता है भाई टिप्सन के पास और उससे पता करता है ऐसा क्यों हुआ, रोपीरो इतना इविल कब से हो गया यार। अबे वो रोपीरो इतना खतरनाक कब से हो गया, वो वाइट टाउन में सब जगह बम बम फेंक रहा और सब लोगों को मार रहा उसने। अबे यार उसने तो मुझ पे भी गोली चलाई थी, पर मैंने जब उसको मैसेज करा कि भाई रोपीरो तू ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसने बोला कि मैं तो अपने आंटी के साथ भाई डेट पे आया हूँ फिल्म देखने। तो भाई अगर वो रोपीरो डेट पे है तो ये कौन है। यार जब सुपर हीरो को पता चला ना कि रिसेप्शन काली पे भी गोली चलाई रोपीरो ने, तो भाई खुशी से नाचने लगा। अबे वो मजा आ गई, तेरे ऊपर भी गोली चलाई उसने पहली बार, मुझे तो मजा आ गई। और फाइनली रोपीरो का भाई केटर से आंटिका को घर पे छोड़ के आ रहा होता और भाई वो फुल भाई एंजॉय करते आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश होता है कि रोपीरो और आंटिका भाई बहुत टाइम बाद डेट पर गए थे। आपको पता होगा भाई इतने टाइम से वो डेट पर नहीं जा पा रहे थे। तो भाई आर्टिका को भाई डेट पर से भाई घर छोड़ने के बाद भाई इतना खुश हो चुका था, भाई स्टंट मारते हुए आ रहा था, अपनी गाड़ी हवा में उछलते उछलते आ रहा था टिप्सन के पास, उससे बात करने, उसको बताने कि वो आर्टिका के साथ डेट पे गया था, उसको मजा ही आ गया आज तो। पर दोस्तों पर उसको ये नहीं पता था कि भाई उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो वहाँ पे पहुंचने वाला था टिप्सन के घर पर, उसके साथ कुछ अजीब ही हो जाता है जो आप अब देखने वाले हो। ओए टिप्सन कालिए कहाँ पर है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। ए रोपीरो तू कहाँ पर भाग गया था, सब जगह पुलिस वालों को मार के तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ बे। ओए पागल रोपीरो तुझे आज मैं जेल में डाल के बंद कर दूंगा, तूने मेरे दोस्त को मारा है। ओए ये क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, अरे टिप्सन ये क्या हुआ, ये मुझे जेल में डालने की बात क्यों कर रहा है, ये मुझे मारने की बात कर रहा है, मैंने किस लोगों को मारा है, ओए तेरी ऐसी की तैसी। तब वो टिप्सन से पूछते पूछते भाई गलती से उसको ही भाई नीचे गिरा देता है पंच मार के और टिप्सन भाई हॉस्पिटल की हालत में हो जाता है। पर फाइनल वो हॉस्पिटल में तो चला जाता है, पर रोपीरो को भागना पड़ता है पुलिस से बचने के लिए। पुलिस वाले उसको जेल में डालने की बात कर रहे थे और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो चुका था। रोपीरो बाहर निकल, हम तुझे जेल में डाल लेंगे, तूने हमारे लोगों को मारा है, तू यहाँ
के लिए खतरा है। रोपी रो बाहर निकल, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, तुझे हम जेल में डाल देंगे। तो इसी टाइम पे उसकी गाड़ी धोखा दे देती है, उसके ब्रेक जाम हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ती और उसके भाई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। और उसको रोपी रो को कुछ समझ नहीं आता, उनसे पूछता भी है उन्होंने उसे जेल में क्यों डाला है। तो चल रहा था अब जेल में बंद रहेगा, अब तेरे को अकल आएगी रोपी रो। मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया यार इन लोगों ने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो आर्टिका के साथ डेट पे गया था, इन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया। तो यार रोपी रो ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसको बंद क्यों किया गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग इसको क्यों भाई यूं कह रहे होते कि भाई तूने बहुत लोगों को मारा है, क्योंकि भाई वो तो आर्टिका के साथ गया था। उसको ऐसा लगता है कि भाई इसको ये पता ही नहीं था कि इवेल रोपी रो इसके पीठ पीछे क्या क्या करके गया है। और भाई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसको जेल में बिना वजह क्यों डाल दिया गया, और वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होता है। और अंदर अंदर भाई वो रो रहा होता है, उसको भाई सब लोग ऐसा बोल रहे होते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा होता है, इस बात से बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, यहाँ वहाँ उछलने लगता है, सोच रहा होता है यहाँ से कैसे बाहर निकले। ये दरवाजा टूटेगा क्यों नहीं, इसकी ऐसी की दीदी, मेरा 2.5 किलो को हाथ है, इसकी ऐसी की दीदी यार ये दरवाजा नहीं टूट रहा। यार ये बात जब टिप्सन को पता चलती है वो सुपर हीरो को बताता, और सुपर हीरो भाई सोचता है कि रोपी रो तो ऐसा कर नहीं सकता, तो भाई उससे जेल में मिलने जाता है उससे पता करने के लिए उन्होंने लोगों को मारा है या नहीं। तो भाई सुपर हीरो को लग रहा था कि रोपी रो ने ऐसा किया होगा, क्यों भाई उसको पता नहीं था कि ईवेल रोपी रो भी हमारे तवाइज टाउन में रहता है, तो भाई उसको ये पता नहीं था, इसलिए वो ऐसा सोच रहा था। पर अभी उसको थोड़ा शक आ चुका है कि भाई रोपी रो ऐसा कर ही नहीं सकता, लोगों को नहीं मार सकता, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है। वो भाई रोपी रो से पूछता है कि भाई ऐसा क्या हुआ था, भाई वो थिएटर में गए थे तो भाई वो पीठ पीछे उनके भाई हमशक्ल आके भाई तबाही मचा रहा था, वो रोपी रो था या फिर कोई और था भाई, उससे वो बातचीत करता है। अबे ओ रोपी रो तू सच सच बताइए, तू व्हाइट टाउन में थिएटर में गया था तो यहाँ पे कौन था, यहाँ पे जो लोगों को मारता फिर था, मैंने आंखों से देखा था, तू ही था वो। और भाई आपको यकीन नहीं होने वाला कि उन दोनों के बीच में क्या बहुत है, मैं बता ही देता हूँ भाई। आपके शाउट आउट का भाई टाइम हो रहा है, तो आपके शाउट आउट सुन लेते हैं पहले। और भाई मैं बता दूं इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाला हूँ, तो भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए भाई कमेंट में बता देना चाहिए या नहीं। तो ये रहे आज के प्यारे प्यारे शाउट आउट, नेक्सस एंटरटेनमेंट, ऋषिकेश, किरण और चीनू भाई। तो भाई चीनू भाई कैसा नाम है आपका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार, अजीब सा नाम है बहुत आपका। तो भाई माफ करना भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा था मजाक में, आपका नाम बहुत अच्छा है। और आपका रियल नेम क्या है वो भी कमेंट करके बता देना। और भाई ऋषिकेश भाई आपको भाई आपके शाउट आउट अच्छे नहीं लगते, तो भाई कोई बात नहीं, अब से मैं थोड़ी भाई कोशिश करूंगा कि भाई थोड़े बहुत अच्छे से शाउट आउट दे पाऊँ। और आज की वीडियो में आपके शाउट आउट कैसे लगे वो भी बता देना, और कोई गड़बड़ लगी हो वीडियो में तो भाई कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं, क्योंकि आप मेरे प्यारे वाले सब्सक्राइबर, आप मेरी गलती पकड़ो और भाई बताया करो भाई, मैं वो ठीक करने की कोशिश करूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।